Please. I'm so glad. ये हमारे पोजिशन लीडर हैं, ये लीड करेंगे फिर हम बात करें। नहीं सर, इधर ही आप खड़े होंगे, मैं ओपनिंग खत्म करूँगा। कहाँ से हम शुरू करें? जब आप तैयार होंगे फिर बताइएगा। तैयार है, यू आर रेडी। फिर शुरू करें जी। محمود خان زغزغی صاحب جناب، بسم اللہ الرحمن الرحیم، हमारा अलायंस जैसे मोहतरम अपोजिशन लीडर ने आपको बताया, न किसी फर्द के ख़िलाफ़ है, न किसी पार्टी के ख़िलाफ़ है, न किसी उसके ख़िलाफ़ है। कल ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के बरसी के मौके पे बाज़ बातें मुस्बत अंदाज में की गई हैं कि भाई शोर शराबे से काम नहीं बनेगा, आए एक उस पर इतफ़ाक़ करते हैं ताकि ये मुल्क चले। तो इतफ़ाक़ मेरे साथियों से मशवरा नहीं किया, इत्तेफाक का बेहतरीन पॉइंट यहाँ आइन की बालादस्ती है। बिस्मिल्लाह हम ऑफ़र करते हैं, वो यूनानिमस रेजोल्यूशन लाएँ पार्लियामेंट में, अपोजिशन लीडर्स साइन करेंगे, हम सब साइन करेंगे, हम उसमें यह कह दें कि ताकत का सरचश्मा ये पार्लियामेंट होगी। पाकिस्तान की खारजा और दाखिला सियासत, तमाम सियासत यहीं से ओरिजिनेट होगी, जिस तरह उनका हल्फ कहता है यहाँ रेजोल्यूशन ही विल सपोर्ट। ये लीगली बात करेंगे, मैं पीछे से थालियाँ बजाऊँगा। आए बिस्मिल्लाह इस पार्लियामेंट को ताकत का सरचश्मा बनाते हैं। इसमें जनाब दो बातें ज़रूरी हैं, स्पीकर का रोल। स्पीकर ना वो हवालदार है, ना हम रिक्रूट हैं कि वो किसी को खुश करने के लिए किसी को बोलने नहीं देता, किसी को बैठने नहीं देता। अगर वो तारीख में अपना नाम बनाना चाहता है, ही इज़ द स्पीकर ऑफ दिस हाउस। जब उसने स्पीकर का हल्फ लिया, ही डजंट बिलोंग टू एनी पार्टी, वो इस पार्लियामेंट का कस्टोडियन है। मैं एक कागज लाया हूँ तारीख इंसाफ के, जो हम भी उसे पढ़ लेंगे। ये 1642 इंग्लैंड का वाकया है। 1642 में बादशाह सलामत को, जबकि वो टकराव कर रहा था पार्लियामेंट से, 5 आदमियों को वो ढूंढ रहा था, उनके नाम इस कागज़ में हैं। वो वहाँ से आया बादशाह सलामत, उसने दरवाजे को ठोकर मारी, पार्लियामेंट में घुस आया और कहा कि वो आई थिंक द 5 बर्ड्स हैव फ्लोन अवे। स्पीकर, उसका नाम यहाँ लिखा हुआ है, मिस्टर लिंथल, विलियम लिंथल, वो उतरा। उसने बजा लाए इतरामात, गोंडे पे बैठा कि बादशाह सलामत, मैं यहाँ न मेरी आंखें हैं न मेरे कान हैं, या मैं वो कुछ सुनता हूँ जो पार्लियामेंट कहती है, या मैं वो कुछ देखना चाहता हूँ जो पार्लियामेंट देखती है, मेरी पार्लियामेंट में ऐसा कोई आदमी। ये 1640 की बात है। उसके बाद बादशाह वहाँ से भागा। तो ये भाई कोशिश करके साथियों को दूंगा। अब तक पार्लियामेंट खुद मुख्तार है। 1640 में मिस्टर अयाज भाई, अयाज बी ए गुड कस्टोडियन ऑफ दिस हाउस। शाहबाज शरीफ मेरा दोस्त है, शाहबाज के दो मायने हैं। एक शाहबाज वो है जिसको ईगल कहते हैं, ईगल। ये कुरान करीम में बार बार इंसान को कहा जाता है, ज़रा अक्ल से काम लो, मेरी कुदरत की निशानियों को देखो। ईगल तख्लीक में हैवान से नीचे है, लेकिन वो अटैक करता है हैवानों पे, भेड़ियों पे, बारहसिंगों पे, कुदरत की निशानी के तौर पे। ये शाहबाज वो ईगल नहीं है। शाहबाज पश्तो ज़ुबान में, आज हमारी खुशकिस्मती समझें,
पश्तून वतन के नुमाइंदे ये लोग हैं, ये अफरीदी कड़ा, ये सारे पीटीआई वाले, ताकि इंसाफ वाले, रबाब जिसको हम रबाब कहते हैं, ये इंस्ट्रूमेंट पश्तून इंस्ट्रूमेंट है, इसको जिस उसको ज़रब दी जाती है उसको शाहबाज कहते हैं, जिससे तारों को ज़रब दी जाती है उसको शाहबाज कहते हैं। मैं उससे रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदा के लिए इस रबाब को ऐसा टंग दो और स्पीकर साहब उस पर ऐसी उंगलियाँ रखें कि इस रबाब से एक कौमी नगमा, ये देश हमारा है, हमें पास बान इसके, इस किस्म का कोई नगमा करें, हम सब उनको सपोर्ट करेंगे। गॉड ब्लेस यू। मैं एक सेकंड में यार करता हूँ। देखिए, आज का इजलास बहुत अहम था जी। ये इजलास रिक्विजिशन हुआ था आर्टिकल 54(3) के तहत, और जब अपोजिशन 1/4 के सिग्नेचर करके इजलास रिक्विजिशन करे तो उसका एजेंडा वही था जिसके लिए हमने इस इजलास को रिक्विजिशन किया था, वो अदलिया की आज़ादी थी। लेकिन आपने आज का ऑर्डर ऑफ द डे देखा होगा, आपने एजेंडा देखा होगा, हुकूमत ने कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन करते हुए, रूल्स 57, 54 और 86 की वायलेशन करते हुए 1 अप्रैल वाला एजेंडा आज रिपीट किया था, इसकी हम मजम्मत करते हैं। और ये इसलिए कि आज़ाद अदलिया हर हकूमत की एक सबसे पहला कंसर्न होना चाहिए, लेकिन ये शो कर रहा है कि वाकई ये फेक हकूमत है, इनका कोई कंसर्न नहीं कि अदली आज़ाद हो, इनको मलक कयूम जैसे जजेस चाहिए ताकि ये फ़ोन करके उनसे फैसले ले ले। इसलिए हम इसकी भी मजम्मत करते हैं। हमने एहतजाज किया आसिफा भुट्टो के वोट पे, हमने एहतजाज किया आसिफा भुट्टो के वोट पे, ओथ पे हर पाकिस्तानी का एहतजाज बनता है। आपको यकीन दिलाता हूँ, इन्होंने मौरूसी सियासत को परवान चढ़ाया। आपको यकीन दिलाता हूँ कि आसिफा भुट्टो को आज भी पता नहीं होगा कि वो किस कंस्टिट्यूएंसी से इलेक्ट होके आई है। हमारे बंदे को अगवा करा के ये अनफोज होकर के आया है। ये पहला स्टेप इच बच्ची से दिलवाया गया रॉन्ग डायरेक्शन में, इसलिए हम उसकी भी मजम्मत करते हैं। आपने आज हिस्ट्री बनाई, हकूमत ने कभी वॉकआउट नहीं किया, सबसे पहले इन्होंने कहा हम वॉकआउट करते हैं। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री की पहली हकूमत है जो वॉकआउट कर रही है, और आज आपने सिर्फ आसिफा भुट्टो की ओद धलवा के वॉकआउट करके असम्बली खाली करवा के उसका एजेंडा ना चलवा के कौम का 6.5 करोड़ का नुकसान किया। दिस इज़ नॉट वर्थ इट। हम अपोजिशन के तौर पे अपना आईनी और कानूनी रोल प्ले करना चाहते हैं। जब से उमर अयूब खान साहब लीडर ऑफ द अपोजिशन हुए हैं, हर मरतबा पॉइंट ऑफ ऑर्डर देते हैं। न सिर्फ ये कि पॉइंट ऑफ ऑर्डर की इजाज़त नहीं मिलती, बात करने की इजाज़त नहीं मिलती, वो लेवल प्लेइंग फील्ड जिस तरह इलेक्शन कमीशन हमें नहीं दे रहे थे इलेक्शन के दौरान, पोस्ट इलेक्शन इस असेंबली में पार्टिसिपेशन में भी वो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं देते, या पॉइंट ऑफ ऑर्डर की इजाज़त नहीं मिलती, इजाज़त मिले तो बात करने का टाइम नहीं मिलता। आज सिर्फ 2 घंटे डिस्कशन होना था रूल के मुताबिक, सिर्फ 2 घंटे का, आपने 2 घंटे इजलास लेट करवाया, 6 बजे आपने इजलास करवाया जबकि 4 बजे होना था, कौम का इतना नुकसान कर लिया। जब हम आते हैं तो बात करने की इजाज़त नहीं देते, और बात कर भी दे तो आप म्यूट कराते हैं। हमने बारहा कहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 70% पाकिस्तानियों की उमंगों की तर्जुमानी करता है, 70% पाकिस्तानियों को मज़ाहमत पे मजबूर मत करना। अगर 70% पाकिस्तानी सड़कों पे आ जाएं तो आप समझे कि क्या होगा। हम आपसे आखिर में एक दोबारा रिक्वेस्ट करते हैं कि नेक्स्ट पे कभी ऐसा ना करना पहले से कि जमहूरियत का नुकसान हो। हम किसी सूरत जमहूरियत का नुकसान नहीं देखना चाहते, लेकिन हम भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, हम भी चाहते हैं कि हम अपना रोल प्ले करें। क्यों आपने कौम का पैसा ज़ाया किया, और आज का इलेक्शन किस तरीके से, आज का इजलास क्यों नहीं चलवाया? बिला आसिफा भुट्टो पे हम अपील करेंगे पूरा पाकिस्तान एहतजाज करें। हम तो ये ख़ानदानी सियासत के अगेंस्ट है, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये जितना आज किया है, स्पीकर साहब कस्टोडियन ऑफ द हाउस है, उसको कस्टोडियन ऑफ द हाउस